आप सब आ गए और फिर क्या हाल चाल है चार के बारे में बात करेंगे क्योंकि भाई वीडियो की ड्यूरेशन भी थोड़ी लंबी होनी चाहिए बताने को सिर्फ कलेक्शन ही है सबसे पहले आ जाती है ऋतिक रोशन की फाइटर जो कि भाई उनके करियर की तीसरी सबसे बड़ी मूवी बन गई है पैसा कमाने के मामले में दूसरी आ जाती है शाहिद कपूर की तेरी बातों में एस तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो कि भाई 100 करोड़ से पार जा चुकी है लेकिन क्या उसने अपना बजट पार किया है कहीं फ्लॉप ही तो नहीं हो गई दूसरी आ जाती है सॉरी तीसरी आ जाती है हमारी क्रैक विद्युत जम्वाल की मूवी जिसने फर्स्ट डे पे तो भाई अच्छा खासी ओपन किया लेकिन उसके बाद वो मूवी नीचे गिर गई क्यों गिरी भाई क्या रिव्यूज मतलब खराब आए तब या फिर भाई यामी गौतम की आर्टिकल थ्री उसका पैसा खा गई बात करेंगे इसके बारे में भी फिर जाती है आर्टिकल थ्री सेवेंटी एक ऐसी मूवी जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है संडे को भाई उसने अपने फर्स्ट डे फ्राइडे से डबल डबल तो नहीं डबल से थोड़ा सा कम तो कलेक्शन करके दिखाई है तो आप ये कह सकते हो कि भाई मूवी कहीं ना कहीं अच्छे नोट पे मंडे पे गई है लेकिन मंडे को इसने कलेक्शन की भी कि नहीं या फिर भाई संडे तक की था इन सबको कवर करेंगे अब सबसे पहले बात करते हैं ऋतिक रोशन के फाइटर की जो उनके करियर की भाई तीसरी सबसे बड़ी मूवी बनी तो बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है लेकिन वो मूवी डिजर्व तो ज्यादा करती थी ये सब कह रहे हैं फिर तो देखने क्यों नहीं गए तुम नहीं गए ना नहीं गए ना सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आ जाती है कि मैं आगे क्या बोलना है वो भूल चुका हूँ हाँ ये मूवी ज्यादा डिजर्व करती थी क्योंकि जो इनकी सबसे फर्स्ट नंबर पे है वॉर उसने 471 करोड़ कमाए हैं वर्ल्ड वाइड टोटल दूसरे नंबर पे आ जाती है क्रिश थ्री जिसने थ्री करोड़ की कमाई की वर्ल्ड वाइड अब भाई तीसरे नंबर पर फाइटर आई लेकिन उसकी कलेक्शन कितनी हो गई है लगभग थर्टी डेज हो गए इसको रिलीज हुए और इसकी कलेक्शन पहुंची है थ्री करोड़ पे अगर इंडिया नंबर देखे जाए अकेले तो वो टू करोड़ पे वो तो भाई वॉर और क्रिश थ्री के भी कम है लेकिन यहां पे हम वर्ल्डवाइड टोटल की बात करें तो ये 354 फिफ्टी 354 करोड़ डिजर्व ज्यादा करती थी लेकिन फिर भी 250 करोड़ का बजट था तो उस हिसाब से ठीक ठाक परफॉर्म कर गई है अगर हम आ जाते हैं दूसरी मूवी पे शाहिद कपूर की तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया जिसने वर्ल्ड वाइड 17 डेज में 120.4 करोड़ की कलेक्शन कर लिया वहीं अगर सिर्फ इसके इंडियन नंबर देखे जाए तो वो भी 73 करोड़ के आसपास हैं तो आप ये कह सकते हो कि ये मूवी भी भाई हिट तो हो ही गई है क्योंकि बजट फिफ्टी करोड़ का था और वर्ल्ड वाइड नंबर तो हंड्रेड के ऊपर भी चले गए हैं लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अभी भी 2.5 करोड़ की कलेक्शन करके दिखा रही है संडे को जो कि इक्वलेंट किसके विद्युत जमवाल की क्रैक के जो कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है अब बात करें विद्युत जमवाल की क्रैक तो भाई ये एक ऐसी मूवी है जिसने स्टार्ट लिया था 4.75 करोड़ इंडिया इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 5.9 करोड़ के आसपास थी है. लेकिन जब इसके भाई धीरे धीरे करके रिव्यूज़ निकलने शुरू हुए तो लोगों को समझ में आया कि नहीं ये मूवी उतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है जितनी मतलब एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि भाई विद्युत जम्वाल के साथ एक्सपेक्टेशंस अपने आप चल के आ जाती क्योंकि उनकी कमांडो ने हमें एक ऐसा बोलते हैं ना पुल बांध के दिया है जो भाई अभी तक खड़ा है ईवन मतलब इस मूवी के बाद भी शायद थोड़ा बहुत खड़ा रहे लेकिन फिर भी उनको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस तरीके की मूवी करें नहीं तो टाइगर श्रॉफ और विद्युत जम्बाल में डिफरेंस नहीं रह जाएगा बात करते कि अभी कैसी कलेक्शन करके दिखा रही है तो संडे को इसने 2.6 करोड़ के आसपास की कलेक्शन की और मंडे के जो इसके एस्टिमेट्स हैं वो भाई काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहे हैं और मतलब ये एक करोड़ से भी नीचे खिसकती दिख रही है अगर इसकी टोटल की बात करें तो इसने तीन दिनों में संडे तक 12.6 करोड़ की कलेक्शन कर लिया वर्ल्ड वाइड वहीं अगर सिर्फ इंडियन नंबर देखे जाए तो वो 9.5 करोड़ के आसपास है अब आ जाती है हमारी फोर्थ जो की है आर्टिकल 370 इस मूवी ने फर्स्ट डे पे इंडिया में 5.9 करोड़ की कलेक्शन की थी लेकिन वहीं अगर इसके संडे के नंबर्स देखे जाएं तो वो 9.6 करोड़ में हैं तो आप ये समझ सकते हो कि मूवी के भाई जो पॉजिटिव रिव्यूज निकल के आए हैं वो इसको फायदा ही दे के जा रहे हैं अगर हम इसके टोटल की बात करें तो इसने तीन दिनों में थर्टी करोड़ की कलेक्शन कर ली है वहीं ये वर्ल्ड वाइड नंबर है वहीं पे अगर इंडियन नंबर देखे जाए अकेले तो वो 5.64 तो वो 22.5 करोड़ के आसपास हैं

अगर ये कंसिस्टेंट रही इसी तरीके से तो आप ये समझिए कि ये मूवी भी हंड्रेड करोड़ के पार जा सकती है क्योंकि हमने ये पहले एक्सेप्शन देख रखी हैं चाहे हमारी आ, कश्मीर फाइल्स हो या फिर थी यार वो केरला स्टोरी हो कि अगर लोगों को मूवी पसंद आ जाए तो वो शुरू में तो मतलब स्लो स्टार्ट लेती है लेकिन बाद में जाके भाई बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स कमा के दिखाती है तो यही था इन चारों मूवीज़ का चिट्ठा जो मैंने खोल के आपके सामने रखा है आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक करो शेयर करो ऐसी वीडियोज देखने के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब जो तुम नहीं करके जाओगे मुझे पता है पर चलो बोलने में क्या जाता है इज रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ जय भोले लाइक तो कर जाओ